press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सत श्री अकाल, वेलकम टू testbook.com। तो फटाफट से यहाँ पर आ जाइए जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग FCAT का जो हमारा नोटिफिकेशन मार्च में आया था, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो हमारा FCAT 2 होने वाला है, ठीक है, मतलब FCAT 1 जो था वो फरवरी में हुआ था, तो ये FCAT 2 है जिसका टेंटेटिव डेट जो है वो अगस्त में है। मतलब हमारा ये अगस्त में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से अगस्त में ही होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन आपको पता है, लेकिन जैसे ही अंडर कंट्रोल सिचुएशन, तो आई थिंक सभी को ऑडियो वीडियो अगर बढ़िया से आ रही है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये जो FCAT है इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी को अगर ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही अच्छे से, तो एक बार सब लोग क्या करोगे, एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं थम्स अप बोल दें, क्योंकि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो रज्जाक अली, रोहन, सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग FCAT की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए कितने लोगों को पता है कि FCAT का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCAT, कितने लोगों को पता है, देखते हैं कौन बताने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेतन बता रहे हैं सर होना चाहिए एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पर एंट्रेंस की जगह पर अगर हम लोग देखें तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट अगर बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो चेतन ने यहाँ पर बताया कि सर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि हमारा इसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स, ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, अभी हमारा साल में 2 बार होता है, इसका जो एग्जाम है वो 2 बार होता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारा अभी ये फरवरी में हुआ था और अभी ये हमारा कब, तो हमारा अगस्त में होना है, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे आपकी सिचुएशंस कैसी हैं, लेकिन जैसे ये सिचुएशन से बाहर आएंगे हमारा ये एग्जाम जो है वो अगस्त में होने की संभावना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसके जॉब प्रोफाइल की, अगर हम लोग यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके की जॉब आपको दी जाती है, एक फ्लाइंग ब्रांच में, मतलब जिसमें आप लोग एयरफोर्स में ऑब्वियस सी बात है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट होते हैं, ठीक है, ये दूसरा होता है हमारा ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होता है। अब ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ में क्या होते हैं, तो ये हमारे मेंटेनेंस जितने भी ऑफिसर होते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करते हैं, वो दोनों आते हैं। अब ये जो हमारा ग्राउंड स्टाफ होता है, मतलब ये फ्लाई नहीं करता है, ये ग्राउंड में ही सारी चीजों को चेक करते हैं कि क्या हमारा, अभी मैं सारी चीजें बताता हूँ तुषार, ठीक है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ सबसे पहले होना चाहिए और फ्लाइंग, दो ये हमारे चीजों में आप जा सकते हो। अब ग्राउंड स्टाफ जो है ये हमारा 2 तरीके से होता है, एक होता है टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल मतलब इसमें आपको इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल आपको समझ में आ रहा होगा जो हमारे कल में, और हमारा जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ आता है इसमें हमारे वो टीम मेंबर्स आते हैं जो कि हमारे ग्राउंड लेवल पे ट्रैफिक जो होता है एयर का उसको कंट्रोल करते हैं, सिग्नल उनको देते हैं कि प्रॉप्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पायलट्स होते हैं जो कि सभी का ड्रीम जॉब होता है कि पायलट हमें बन रहा है, स्क्वाड्रन लीडर, फिर उसके बाद से हमारा जो है वो एडमिरल तक हम प्रमोट हो सकते हैं, तो पायलट्स के रूप में हम भर्ती हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा फ्लाइंग ब्रांच में ही जो इनके एसोसिएट्स होते हैं, पायलट के अलावा जो एक एसोसिएट होता है वो भी यहाँ पर आपका सेलेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो इसकी सैलरी जो है वो हमारी 85,000 के अराउंड होती है, सारे अनाउंसेस को अगर
ऐड कर दिया जाए तो ये सैलरी होती है 85,000। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ग्राउंड स्टाफ की, तो ग्राउंड स्टाफ की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोगों ने दूसरा जॉब प्रोफाइल देखा था, उसमें सैलरी कितनी होती है, बिल्कुल नहीं है, अप्लाई क्यों नहीं कर सकती है, ठीक है, उसमें हमारी सैलरी कितनी होती है, तो हमारी इसमें सैलरी होती है 75,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम है, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हो, आपको आपको एयरक्राफ्ट में जाना है, लेकिन रिस्क बनते हैं, नाम बनते हैं रिस्क उठाने से, इसलिए जो यहाँ पर रिस्क उठा ले जाता है उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है और उसको प्रमोट होने का मौका भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर हमारे लिए आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमको फाइटर जेट उड़ाने को मिलेगा, हमको सुखोई उड़ाने को मिलेगा, जैगवार उड़ाने को मिलेगा, F-21 उड़ाने को मिलेगा। F-21 अभी आप लोगों ने देखा होगा आने वाला है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने को मिलेगा, आपको इस पे ट्रेनिंग करने को मिलेगी, और ट्रेनिंग के दौरान आप किसी ना किसी ट्रेनिंग स्कूल में, आपको जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन मिलता है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान जो आपको अमाउंट मिलता है वो सैलरी का कुछ परसेंटेज कम होता है उसका, लगभग 56,000 आपको सैलरी मिलती है उस ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जैसे ही आप पायलट बन जाते हो उसके बाद से ये सैलरी आपकी 85,000 हो जाती है और ग्राउंड स्टाफ की 75,000 हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद से यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहली चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भैया क्या होना चाहिए, जो कि सबके मन में बात है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो FCAT है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। तो सभी लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग आप लोग जानते हो ना, बैकलॉग का मतलब आप किसी एग्जाम में आपकी जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर एस्पिरेंट्स होते हैं उनके में सेमेस्टर होता है, या हमारे जो बोल सकते हैं अदर कैंडिडेट्स होते हैं उनमें ईयर होता है, मतलब किसी का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है और किसी का ईयर वाइज एग्जाम होता है। तो जो ये हमारे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके हर एक सेमेस्टर में 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और जो हमारे ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके हर एक ईयर में 60% के ऊपर मार्क होने चाहिए। ये आपको याद रखना है, 60% सेमेस्टर में और 60% ईयर में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, और साथ ही साथ कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टेक आप ग्राउंड स्टाफ में जानते हो जाना चाहते हो तब भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ में जानना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कैसे? तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है। जो आपकी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती हैं उसके में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्राइटेरिया सेम है। लेकिन हमने सर इंजीनियरिंग भी कर रखी है, हमारे हर एक सेमेस्टर में 60% से ज्यादा मार्क्स भी होते हैं, लेकिन सर हमारी एज की क्या लिमिट है? तो देखिए यहाँ पर अगर एज की लिमिट की बात करें तो जो फ्लाइंग ब्रांच मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोगों ने शुरू से वीडियो देखा होगा, तो जो हमारी फ्लाइंग ब्रांच थी उसके लिए आपकी एज लिमिट होती है 22 साल से लेकर के 24 साल, मतलब एक 2 साल का ही टाइम होता है। एज कितनी होनी चाहिए? 22 साल और 24 साल। कितने लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 22 से 24। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपका अगर सेमेस्टर वाइज हो तो आप 60%, और अगर आप ईयर वाइज हो तो 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ओपन यूनिवर्सिटी से भी, हाँ, आपकी जो ऑथराइज यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जितनी भी ऑथराइज यूनिवर्सिटीज हैं सबसे ये आपका स्वीकार करता है फॉर्म, ठीक है, सबको एक्सेप्ट करता है, बस ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब अगर लेकिन ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ में जाते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ में जाते हो तो ये आपका क्राइटेरिया 20 से लेकर के 26 साल कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको मैंने शुरू में बताया था, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा जॉब प्रोफाइल, तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है टेक्निकल और दूसरी होती है नॉन टेक। सैलरी आपकी इसमें 75,000 होती है, नियर अबाउट 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फ्लाइंग स्टाफ के लिए आपको एज ये होनी चाहिए, और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के लिए आपकी एज ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है, ठीक है।
तो चेतन अक्टूबर में होने वाले हो, तो अभी तुम जो है वो इसको फिल कर सकते हो, ठीक है? अक्टूबर में जब होने वाले हो तो आप इसको कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारा ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर दिमाग में आप लोगों को आ रहा होगा, सर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो, यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? तो अगर हम लोग सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस बताता हूँ। तो ये हमारा तीन फेज में सिलेक्शन होता है, तीन फेज में इसके सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। पहला फेज क्या होता है, तो वो आपके एक रिटन टेस्ट लेते हैं, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? तो आप बोल सकते हो इसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए 300, 300 का आपका हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, तो आपका 1 मार्क्स जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? तो निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 300 मार्क, 1 निगेटिव मार्किंग, तो ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे कि तो क्राइटेरिया अगर इसके कट ऑफ का, बहुत लोगों के दिमाग में रहेगा सर व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कट ऑफ, तो याद रखिएगा कि इसका कट ऑफ अगर हम एवरेज देखेंगे, जितने भी हमारे अभी तक के एफकेट के प्रीवियस 5 ईयर में एग्जाम हुए हैं, तो आपका 50% स्कोर अगर करते हो, 50%, तो आप SSB के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर कहीं पर 143 गया है तो कहीं पर 162 भी गया है। तो अगर मैं देखूंगा एवरेज कितना हो रहा है, तो एवरेज हमारा कितना हो रहा है, तो दैट इज, तो हमारा एवरेज हो रहा है कितना, तो दैट इज 150 मार्क्स इज द एवरेज मार्क, जो कि हमें क्या करना है, यहां से हमको अगर मिलते हैं तो हम यहाँ पे SSB के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि फाइनल ईयर में आप अगर आप हैं, तो बिल्कुल आप फाइनल ईयर के जो अपीयर स्टूडेंट हैं वो भी हमारे FCAT के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हो। आपका फाइनल ईयर मतलब आपका जो जून तक, यहाँ तक दिया गया था कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप जून तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर अभी पेंडिंग बाकी है। तो जो लास्ट ईयर है, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी भर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी क्राइटेरिया उनके लिए फुलफिल होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग बताइए कि यहाँ पर हमने आपको सैलरी बता दी, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि SSB के लिए कितना आपको नंबर लाना है इस 300 मार्क्स में। तो कोशिश करिए कि 150, लेकिन अगर आप यहाँ पर 200 मार्क्स लेकर के आते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। तो आपको अपनी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आपके 200 मार्क्स आने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, वैसे तो मैं अपनी अपनी आगे वाली क्लास में सिलेबस के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये जो हमारा सिलेबस है इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ये सिलेबस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सिलेबस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने FCAT की ऑफिशियल साइट पर कहीं पर भी सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, जो हमारी FCAT की ऑफिशियल साइट है वहां पर कहीं पर भी सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो वहां पर उन्होंने मॉडल पेपर को डिस्क्राइब किया गया है। क्या है कि मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में उन्होंने डाल दिया है कि इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तो मैं वो मॉडल पेपर आपको दिखाने की एक बार कोशिश जरूर करूंगा कि वो मॉडल पेपर जो है, तो देखिए यहां पर आपके सामने मैंने ये मॉडल पेपर खोल दिया जो FCAT का मॉडल पेपर है, ये आपको FCAT की ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, इस मॉडल पेपर को कहीं पर भी सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको ये मॉडल पेपर में 2 घंटे का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 100 क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। अगर आपने एक गलत अटेम्प्ट किया तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया तो आप क्या करोगे, आपको कोई भी मार्क डिटेक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बिल्कुल मॉडल पेपर, इसी हिसाब से हमको अपना जो है वो सिलेबस डिफाइन करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इजी सा है, इसको आप आसानी से पढ़ करके इसको क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद से देखिए इस पे 3 क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक आपको क्लोज टेस्ट दिखाई दे रहा है, इस क्लोज टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं, हर एक सेमेस्टर में होनी चाहिए, जहां पर जो लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि हर एक पूरे में होनी चाहिए, हर एक सेमेस्टर में 60% नहीं है तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो कैप्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपसे यही पूछने वाला, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पर आ जाता है आपका सिनो एंटो आ जाता है पहले, मतलब अपोजिट का मतलब एंटो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन से यहाँ पर हमसे क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, तो देखिए इस तरीके के आपको वो कैप्स के ऊपर ज्यादा अपनी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड फ्रेज है, मतलब फ्रेज मतलब idiom और phrases आप अगर जानते होगे तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर स्पेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी स्पेल करेक्ट है। उसके बाद से phrases के बाद idioms आ गया, तो यहाँ पर idioms अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर आपसे यहाँ पर अब हमारा जो पार्ट शुरू होता है दैट इज GA, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपसे जो GA का पैटर्न है वो आपको लगेगा कि बहुत वास्ट है, सर कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जीए का सेक्शन है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यूनिवर्सल हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कौन कौन से हमारे पार्ट को इशू किया है उनके बारे में वो पूछने वाला। जैसे यहाँ पर इबोला फ्री WHO ने किसको घोषित कर दिया है, ठीक है। वैसे ही हमारा अगर पूछेगा कोरोना वायरस के लिए WHO ने क्या किया, तो हमारे जो यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है हमारा FCAT, क्योंकि यूएन के ही हमारा जितना भी यूएन से आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशन, उससे ही हमारी एयरफोर्स सारी चीजों को ग्रैब करती है। उसके बाद से अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, खास तौर पे जो आपके एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या आपके ओलंपिक गेम्स हैं, वो पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि जो हमारा FCAT है उसका एग्जाम कंडक्ट कराता है UPSC, इसीलिए जितने भी हमारे नए UPSC के सेक्रेटरीज बनते हैं ऑल ओवर इंडिया में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको क्या पता होना चाहिए, जितने भी हमारे UPSC के नए सेक्रेटरी बने, तो यहाँ पर नए फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में पूछा, ठीक है, तो आपको UPSC के बारे में नए अपॉइंटमेंट्स पढ़ने, देखिए यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आपको जितनी भी हमारी डिफेंस की मिसाइलें 2 साल के अंदर लॉन्च हुई हैं, यहाँ पर जैसे उसने सब सोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा वो पता होना चाहिए। फिर बायोलॉजी, देखिए साइंस से सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़नी है, और बायोलॉजी में भी क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है आपका क्या, तो दैट इज द सेल एंड ह्यूमन एनाटॉमी, बस इसके अलावा नहीं जाना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा एयरफोर्स जो है वो यूएन के ऊपर काम करता है, यूएन के फिनोमिना पे, तो देखिए यहाँ पर उसने यूएन के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मॉडल पेपर आप FCAT की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, FCAT की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर मॉडल पेपर उन्होंने दिए हैं, मैंने आपको शुरू में बताया। अब यहाँ पर देखिए उसने हमारे 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के बारे में पूछा, एक इंडिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि भारत रत्न है, और दूसरा हमारा यहाँ पर नोबेल प्राइज, ये हमारे दोनों प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के बारे में उन्होंने बात की हुई है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद से एक और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसने पूछ लिया, जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसके बाद से फिर उसने एक हमारी मिसाइल के बारे में पूछा K-15, तो ये आपको ओवरऑल मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। फिर देखिए उसने मॉडल पेपर दिया हुआ है और यूएन के बारे में पूछ रहा है कि यूएन के हमारे जो बान की मून है वो कहाँ के हमारे एडवाइजरी चीफ बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको एक स्टैटिक जैसे क्वेश्चन याद करना है। फिर स्पोर्ट्स का देखो क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने आपको बताया ओलंपिक और क्या, तो ओलंपिक का और उसके साथ साथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और सारे जगह पे रूबी पूछे लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, तो लड़कियां क्यों अप्लाई नहीं कर सकती हैं, और कोई भी यहाँ पर अभी आपका हाइट का या वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया सिर्फ वही क्राइटेरिया है आपके लिए, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में वो किसके बारे में पूछता है, तो मैं 3A के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो 3A के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे एयरफोर्स का सबसे फेमस है। वो 3A कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का मतलब जो कि हमारे देश में एक आर्मी लेकर के आया और उसने एक नई तरीके की वॉर को इंडिया में डेवलप किया। दूसरा ए है अशोक, अशोक हमारे एयरफोर्स या FCAT का बहुत फेमस है, तो जितनी भी अशोक के बारे में चीजें वो पढ़ना है,
और उसके बाद से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में वाकई में परमानेंट आर्मी कौन लेकर गया है, जिसके पास परमानेंट आर्मी थी। देखते हैं कौन बताने वाला है कि हमारे इंडिया में परमानेंट आर्मी को कौन लेकर गया है, देखते हैं किसका जवाब आने वाला है। और वही तीसरा ए है जिसके बारे में सिर्फ अगर हम पढ़ के चले गए तो हमारे एफ कैट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 150 से लेकर के 200 नंबर तक आ सकते हैं। हिस्ट्री हमें पूरी नहीं पढ़ के जानी है, पूरा एकदम अच्छे से गो थ्रू नहीं करना है। मैं आगे क्वेश्चन का मैं अपने क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग जवाब देंगे। तो यहाँ पर चेतन ने बताया कि सर अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी तीसरा ये है जो कि हमारे एफ कैट में पूछेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो मॉडल पेपर है उसकी तरफ एक बार फिर से हम लोग चलेंगे। तो मॉडल पेपर में हम लोग फिर से आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या उसने कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ये रहा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। अलेक्जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था, अलेक्जेंडर के ऊपर उसने पूछा है। तो इस एग्जाम को निकालना इतना टिपिकल नहीं है जितना आप यहाँ पर समझ रहोगे। तो सिर्फ जीए में हमने क्या पढ़ लिया, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, यूएन के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और साथ ही साथ हमने आर्मी की एक्सरसाइजेज और आर्मी की जितने भी हमारी मिसाइल या जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं अगर उनके बारे में पढ़ लिया, तो हमारे जीए में सारे के सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद से हमारे जीए में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसी भी चीज है जो हमसे पूछता है, जैसे कि हमारा एक बुक एंड ऑथर का नाम पूछेगा। आपको जितने भी 2019 और 20 में जितनी भी बुक्स लिखी गई उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद से आपका मैथ्स आ जाता है। और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए काफी इजी है, मतलब इतने इजी कि आप इसको बहुत इजी कर सकते हो अगर आपने जरा सी भी पॉइंट्स को अच्छे से कर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये तीन दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन की कौन कौन से आपसे पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दैट इज द स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद से आपका परसेंटेज है, उसके बाद से आपका एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, तो मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक के ऊपर वो फोकस करता है, ठीक है। तो यशवंत, आपका क्या नाम है, भरद्वाज जी, ये क्वेश्चन हमारा जो है एफ कैट का मॉडल पेपर है, और आपके जितने भी एफ कैट के मॉडल पेपर उन्होंने डाले अपनी ऑफिशियल साइट पर, आप जाइए वहां से आपको मिल जाएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है, आपको ये सारे के सारा जो पेपर है वहां से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर है वो ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो कंप्यूटर जी हैं आपको एक फॉर्म दे रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो एफ कैट की कोचिंग करने के लिए, एफ कैट की क्लासेस करने के लिए, वैसे हमारी यूट्यूब पे क्लासेस मंडे से आने वाली है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और भरने के बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपने मंडे की क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप अपने फॉर्म को है वो भरिए और अपने क्राइटेरिया को फिलअप करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे एफकेट से रिलेटेड और भी। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो जल्द ही हो सकता है। जैसे कि हमारी प्लाज्मा थेरेपी जो थ्योरी है वो धीरे धीरे सक्सेस हो रही है, तो जल्दी हम कोरोना के ऊपर जो है वो विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।